ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास एट सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 11। ठीक है, ये चैप्टर हमारा है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जो मेरा पॉइंट्स इधर लिखे हुए हैं, ये हमारे प्रीवियस वीडियो में ये टॉपिक मैंने कवर किया है, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो ये टॉपिक क्या है इसको हम एक बार रिकैप करेंगे, इसको देख लेंगे और नोट्स आप लोगों ने कैसे बनाया है उसी के हिसाब से उसके आगे हम लोग को बढ़ना है। बट उससे पहले जो प्रीवियस सेशन होने के बाद जो डाउट क्लासेज आए थे, उस डाउट क्लास को इसमें हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने पूछा था कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कुछ एग्जाम्पल बताइए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों का पूछा गया था। तो पहले आप थर्मोप्लास्टिक का ले लीजिए। देखिए, थर्मोप्लास्टिक का हम दो एग्जाम्पल आपको दिए थे और दो एग्जाम्पल आपके लिए काफी रहेगा। पहला है पीवीसी। ठीक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या होगा इसका नाम, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये नाम आप याद रखेंगे। देखिए इसका क्या क्या आपको दिखेगा, तो चेयर है ना, टेबल, और आपको क्या दिखता है, वो पाइप वगैरह जो होता है, पाइप, कौन सा पाइप, ये पानी की सप्लाई वाली नहीं, पानी की सप्लाई ड्रेनेज वगैरह में, नाली वगैरह में है ना, सीवेज वगैरह में लगाए जाते हैं। ठीक है, सीवेज वगैरह में लगाए जाते हैं, नाला वगैरह में लगाए जाते हैं, मोटा मोटा पाइप जो होता है वो, ये पाइप सब आपके पीवीसी पाइप के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और आप नाम ले लीजिए, सीपीवीसी, ये दूसरा नेम आप ले लीजिए। इसके लिए होगा क्लोरीनेटेड, बाकी सब सेम रहे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये कहां होता है, तो पानी की सप्लाई वाला जो पाइप होता है, वाटर सप्लाई है ना, वाटर सप्लाई जो पाइप होते हैं, ठीक है, वाटर सप्लाई पाइप जो होगा वो हमारा ये सीपीवीसी के बने होते हैं। ये दो नाम आप थर्मोप्लास्टिक में ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा आपने पूछा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक है, उसके बाद एक नंबर, उसके बाद आपने पूछा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमने दो नाम आपको बताया था, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसको यूएफ और एमएफ दो नाम आप यहां पे याद रखिएगा। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा था मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ये दो नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपने बहुत देखा था PET1, PP5, वो सेवन क्वालिटीज, सेवन ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार आप उस वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा, उस नोट्स को देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, क्लियर, इसको हम मेडअप कर दू। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं हालांकि कई बार उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन था एक्वाटिक साइंस। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, एक्वाटिक साइंस। ठीक है, क्वेश्चन आपका था व्हाट इज साइंस। ठीक है, व्हाट इज साइंस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम साइंस पढ़ते हैं और साइंस का डेफिनेशन अगर नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इट इज सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के स्टडी को, एनीथिंग, कोई भी चीज को सिस्टमैटिक अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा साइंस कहलाता है। इस पर हम प्रॉपर आपको एक वीडियो और देंगे साइंस के ऊपर, बट आप सिर्फ यहां पे डेफिनेशन जान लीजिए।
तो ये हमारे रहे प्रीवियस डाउट क्लास के क्वेश्चन। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, अब हम उस पे आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, वो आपका डाउट क्लास डाउट क्लियर हो गया और इस तरह से डाउट आप कंटिन्यू बताते रहेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेज में क्लास 8 के साइंस में हम लोगों ने 11 चैप्टर के फोर्स एंड प्रेशर में डिस्कस किया था व्हाट इज फोर्स, ठीक है, फोर्स का डेफिनेशन बताया था। फिर क्या होता है जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है, वो 5 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसको स्पीड में ला सकते हैं, रोक सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं, उसके जो डायमेंशन है चेंज कर सकते हैं, ये 4-5 काम मैं कर सकता हूं। इसके बाद डिस्कस हुई थी कॉन्टेक्ट फोर्स के ऊपर, है ना। और कॉन्टेक्ट फोर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें 3 नाम आपको दिए थे। पहला नाम था मस्कुलर फोर्स, ठीक है। सेकंड नाम हम लोगों ने दिया था मस्कुलर फोर्स, सेकंड नाम हम लोगों ने दिया था फ्रिक्शनल फोर्स। क्या दिया था? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एंड थर्ड नाम हम लोगों ने दिया था मैकेनिकल फोर्स। क्या नाम दिया था? मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। और नॉन कॉन्टेक्ट में हम लोगों ने 3 नाम दिया था। पहला नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। और दूसरा नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उसके बाद था ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम था? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये 6 डेफिनेशन आज हम लोगों को करना है। एक पहला तो होगा कॉन्टेक्ट फोर्स का, तो पहले हम कॉन्टेक्ट फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। कौन सी डेफिनेशन? पहला हम कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना, कॉन्टेक्ट फोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, क्या होता है कॉन्टेक्ट, ठीक है। देखिए, फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी, इसका डेफिनेशन क्या देंगे? फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी दैट इज इन कॉन्टेक्ट। देखिए, कॉन्टेक्ट नाम से लग रहा है कि कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा। अगर कोई बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट होकर के, कोई फिजिकली कॉन्टेक्ट होकर के अगर अप्लाई होता है तो उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्टेक्ट फोर्स कहेंगे। अब रहा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का, तो बस सेम चीज इसमें लग जाएंगे। क्या हो जाएगा? ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है, इज ए फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड टू द बॉडी, ठीक है, दैट इज टू द बॉडी विदाउट फिजिकली कॉन्टेक्ट, ठीक है। बिना फिजिकली कॉन्टेक्ट से अगर कोई बॉडी, कोई फोर्स अगर अप्लाई होता है तो उसको हम कहेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है, और कॉन्टेक्ट फोर्स जो फिजिकली अप्लाई होगा, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन हम लोगों ने किया, कि स्टार वाले पॉइंट को हम लोगों ने डिफाइन किया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सेम टू सेम आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं एक एक करके कॉन्टेक्ट फोर्स के जो 3 पार्ट है, उस तीनों पार्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मस्कुलर फोर्स की तरफ, चलो, ओके। अब है मस्कुलर फोर्स, ये वाला मस्कुलर फोर्स, अब हम लोग इसको देखते हैं, मस्कुलर फोर्स, ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। इट इज अ फोर्स दैट रिजल्ट, इट इज ए फोर्स दैट रिजल्ट, ठीक है, ड्यू टू द
ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, देखिए मैं पहले डेफिनेशन इसीलिए ले रहा हूं, इट इज अ फोर्स दैट रिजल्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। जब मसल्स के एक्शन से कोई रिजल्ट आएगा, मसल्स के एक्शन से फोर्स लगाने से जो कोई रिजल्ट आएगा, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स कहेंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स के बाद हमारा रहा फ्रिक्शनल फोर्स, क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन देंगे, फ्रिक्शन इज ए फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन, दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, व्हेन द surface of one object, ठीक है, comes in the contact with the another surface। देखिए डेफिनेशन को आप समझ लीजिए, फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन, मोशन को रेजिस्ट करता है। देखिए हम लोग जब चलते हैं तो जो सरफेस आप देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन है, बट वो पूरी तरह प्लेन नहीं है, उसके बीच में ग्रिप बना हुआ है। अगर वो ग्रिप नहीं होगा तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आइस पे चलना इसीलिए कठिन होता है। तो उस ग्रिप को, ग्रिप होने का मतलब क्या है कि जब दो सरफेस उस कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसको रेजिस्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, रेजिस्ट मतलब डिस्टर्ब करेगा, किस चीज में, तो उसके मोशन में, है ना। यही कॉज है कि गाड़ी जब चलती है तो एक्सलेटर छोड़ दें या पैडल मारना छोड़ दें तो गाड़ी धीरे धीरे रुक जाती है, क्योंकि उसको रेजिस्ट करता है। कौन रेजिस्ट करता है, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट करता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन होगी। ठीक है, आप इसको मस्कुलर फोर्स में एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखिए लिफ्टिंग बैग। ठीक है, बैग जब आप उठाते हैं फिजिकली कॉन्टेक्ट, इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, मूविंग ऑन रोड, है ना। आप जब रोड पे चलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रहा कॉन्टेक्ट फोर्स का। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिकल फोर्स को। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट्स आप सेम टू सेम बनाएंगे, आपको पता है ना कि नोट्स बनाना है पूरे चक्कर का। ओके, नेक्स्ट हम इसको रब करते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या रोक करके आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, आपके पास ही रहेंगे, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके, अब हम लोग का बच गया कॉन्टेक्ट फोर्स में मैकेनिकल फोर्स, कौन सा फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। तो हम मैकेनिकल फोर्स को अब देखते हैं। ठीक है, ए फोर्स दैट इन्वॉल्व्स, ये नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, a force that involves contact with another object and which produce a change in a state of rest, or motion। ठीक है, देखिए जब आटा चक्की मशीन पे आप गए होंगे तो आप देखे होंगे
कि वहां पे मशीन से एक बेल्ट के माध्यम से वो चक्की चलाया जा रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये फोर्स दैट इन्वॉल्व द कॉन्टेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से, देखिए मशीन यहां और वो दूसरे जगह, दूसरे ऑब्जेक्ट से, विच प्रोड्यूस एंड चेंज इट्स स्टेट और रेट ऑफ मोशन। वो अगर रुका हुआ है तो उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, या चल रहा है तो उसको वहां अगर हम ब्रेक लगाएंगे या वहां रुकेंगे तो यहां रुकने का काम करेगा। दिस इज मैकेनिकल फोर्स। तो आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन, आपको ये पहले के चार डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट करेंगे, सेम नोट्स बनाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ। इसको रब कर दूं, ओके, स्क्रीनशॉट लेके रोक के आप नोट कर लेंगे। ये नहीं बदल रहा है, सिर्फ उधर के बदल रहा है, क्लियर। मैं मिटा रहा हूं, ओके। अब हम लोग देखेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में पहला हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर अट्रैक्शन, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक फोर्स आर अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है। फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स are caused by their electric charge, ठीक है। अब इसके एग्जांपल को समझ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स आर कॉज्ड बाय देयर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो पेन को ऐसे रब कर लो और वो तीनी पीस, जैसे ये पेन है, ठीक है, आप इस पेन को आपने रब किया, रब करने के बाद आप ये टीनी पीस ऑफ पेपर के पास ले गया। ये पीस है, क्या है? तो ये पेपर का टुकड़ा है। ये क्या करता है? ये आपस में देखेंगे आप ये अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें कॉम, पेन एंड पेपर पीस, आप एग्जांपल पेपर पीस, ये पेपर पीस और पेन या कॉम ले लीजिए, ये दोनों हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहेंगे और फिर वो आपस में अट्रैक्ट करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर? एग्जांपल भी क्लियर हो गया। अब हमारा बच गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप कमेंट करके बताइएगा कि पहले डेफिनेशन बताना अच्छा है या पहले एग्जांपल बताना अच्छा है। मैं अब अगला जो डेफिनेशन है उसको मैं पहले एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेज में, ऐसे वाला एक एक्टिविटी मैं आपको दिखाया था, ठीक है। ये इसमें इंसुलेटेड वायर लपेटे हुए हैं, रैप किया हुआ है, ठीक है। ये उसके बाद ये जो है ये एक बैटरी से जुड़ी हुई है, बैटरी से मैंने जोड़ दिया और जैसे ही इसको मैंने जोड़ा, ये निगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल, इस बीच में स्विच लगे हुए हैं, ठीक है, इस बीच में स्विच लगे हुए हैं और यहां पे बहुत सारे हमने आयरन नेल्स रखा है। क्या रखा है? आयरन नेल्स रखा। जब स्विच ऑन किया हमने तो क्या देखा, जैसे ही स्विच ऑन किया तो ये आयरन नेल्स को आपस में अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, आपस में अट्रैक्ट कर लिया। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द फोर्स एक्सर्टेड बाय, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसको डिफाइन करेंगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन ठीक है ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स और बॉडी लगा सकते हैं और बॉडी देखिए ये काम बड़े लेवल पे भी होता है जब ये एक बैटरी लगाया तो इतने बड़े बड़े नेल्स को अट्रैक्ट कर लिया तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो वेस्टेज होते हैं लोहे का वेस्टेज होता है आयरन वेस्टेज होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से ही वो अट्रैक्ट करके वो इंडस्ट्री के वो जो डब होता है उसका और जो गड्ढा होता है उसमें डाले जाते हैं ठीक है तो ये चिपका लिया और फिर ऊपर ले जाके इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बंद कर दिया और वो उसमें गिर गया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जो विदाउट कॉन्टेक्ट जैसे ही वहां मैंने काम किया तो यहाँ क्या किया ये अट्रैक्ट कर लिया ठीक है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के कारण होते हैं और मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मैग्नेट होते हैं जो नेचुरल चीजें हैं अब तो आर्टिफिशियल भी आती है और उससे जैसे ही आएगा तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। अब हमारा लास्ट बचा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बचा? ग्रेविटेशन, इसको रब कर देता हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बच गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेंगे। अब हमारा रहा ग्रेविटेशनल, नेक्स्ट क्लासेज में आप ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप देखते हैं ये एग्जांपल तो सब लोग फिजिक्स जैसे ही चर्चा होती है तो ये एग्जांपल देते हैं कि पेड़ से आम नीचे गिरा, चलो गिरते ही है, क्यों गिरते हैं पता है आपको? धरती में एक फोर्स है और ये फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। आप बॉल को ऊपर फेंकते हो, ऊपर जाकर के वो वापस चलाता है, क्यों नहीं ऊपर चला गया, डायरेक्ट चला जाना चाहिए, क्यों आया नीचे? क्योंकि धरती के अंदर एक फोर्स है, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और सिर्फ वो बॉल को ही अपने पास नहीं खींच रहा है, इस यूनिवर्स में हर प्लेनेट एक दूसरे को खींच रहा है, पुल कर रहा है, हर प्लेनेट के पुल करने के कारण ये यूनिवर्स टिका हुआ है, हर एक दूसरे को पुल कर रहा है। तो बॉल उसको खींचा, अर्थ उसको खींचा, अर्थ को बॉल ने खींचा, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन सा है? हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पर डिस्कस करेंगे, जो ज्यादा पावरफुल फोर्स होगा वो अपना एक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन क्या देंगे, द ग्रेविटेशनल ऑफ द ग्रेविटेशन, ठीक है, द ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स is a force that attract is a force that attract any two object with mass है ना, वजन, वेट, हालांकि वेट और मास दोनों अलग अलग है। तो ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स इज ए फोर्स दैट अट्रैक्ट एनी टू ऑब्जेक्ट्स विथ मास। दो ऑब्जेक्ट को आपस में जब अट्रैक्शन करेगा विथ मास तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, ठीक है। इसको हम पुलिंग ऑफ बॉल है ना, पुलिंग ऑफ प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट। तो ये डेफिनेशन हम दे सकते हैं, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ये फोर्स दैट अट्रैक्ट इन टू बॉडीज विथ मास, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये तीन, यहां से पहले का आप देख लेंगे, और ये कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट, और तीन इसका डेफिनेशन आप याद करेंगे, इसको नोट बनाएंगे, और ये आपका अगला नोट्स है, ठीक है। हम लोगों ने तीन चैप्टर, तीसरा चैप्टर चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री के दो चैप्टर हम लोगों ने किया है, सॉरी केमिस्ट्री और बायो के दो चैप्टर किया है, और ये हम फिजिक्स का कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम बायो पे चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आप इसको नोट्स को बना लीजिए, फिर डाउट सेशन में आप अपना डाउट डालिएगा, उस समय हम क्लियर करेंगे। नोट्स एकदम हर लोगों की कॉपी में बनी होनी चाहिए, क्लियर।